हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। और मैं आपकी दोस्त नेहा अलवी। आज के इस वीडियो में हम आपको बनाने सिखाएंगे प्यारी सी शॉर्ट्स। तो ये कि हमारी जो शॉर्ट्स होती है ये स्कल की तरह लगती है, लेकिन इसको हम शॉर्ट्स की तरह बनाते हैं। जो मतलब कुछ लोगों को स्कल पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के शॉर्ट्स बना के आप अपने बेबी को पहना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हम आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत ईजी है इसे बनाना। तो चलिए इसकी स्टिचिंग और कटिंग शुरू करते हैं। शॉर्ट्स बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, तो चलिए अपने शॉर्ट्स की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो फैब्रिक है इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये इसमें हमारी प्लेटें डलेंगी, तो इससे फैब्रिक को हम थोड़ा बड़ा ही जो हमारी शॉर्ट्स है उसे हम थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम इसकी लेंथ रखेंगे शॉर्ट्स की। ट्वेल्व इंच और सेम मेज़रमेंट की एक पट्टी हम और कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से इसकी जो हमारी शॉर्ट्स है वो हमें बहुत ही सिंपल, जैसे हम नॉर्मली शॉर्ट्स अपने कट करते हैं, ऐसे हमें इसको कट करना है। बस हमें यहाँ से जो हमारा होगा इसको हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से हम देखिए इसको मार्क करेंगे 16 इंच पर। आसन का मार्क हम यहाँ से 8 इंच पर करेंगे और 10.5 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है ये होगा हमारा फोल्ड। तो एक्स्ट्रा में हमारा है देखिए यहाँ से 2 इंच। सिक्सटीन इंच हमने इसको यहाँ से मार्क किया और 16 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। और इसमें हम ऐड लेंगे 1.5 इंच। और यहाँ से हम इसको कर्व शेप देंगे। यहाँ से हमें इसको थोड़ा थोड़ा तिरछा सा मार्क करना है, इस तरीके से हमारी वी शेप आती है, इस तरीके से मार्क करेंगे। तो देखिए जो हमारा फोल्ड होगा, यहाँ से जो हमारा फोल्ड होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो चलिए देखिए, जो हमने मार्किंग की है इसकी करेंगे हम कटिंग। तो ये जो मार्किंग की है सिर्फ हमें एक पार्ट की कटिंग करनी है, जो हमारे नीचे वाला पार्ट है उसकी कटिंग नहीं करेंगे। जिससे कि हमें प्लेट डालने में आसानी हो, तो यहाँ से हम इसको, ये जो हमारा दोनों साइड जॉइंट है इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। शॉर्ट्स की हमारी कटिंग हो गई है, अब इसके लिए हम कट करेंगे। हमारे ऊपर बेल्ट अटैच होगी तो वो हम बेल्ट कट कर लेंगे। इसे हम पूरा यहाँ से पूरी जो हमारी है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी लेंथ रखेंगे 4 इंच। ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हम अपने बेल्ट के, जितनी हमें बेल्ट रखनी है उतना अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे 15.5 इंच पर।
ये हमारी बेल्ट कट हो गई है, तो चलिए अब अपने शॉर्ट्स की स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना शॉर्ट्स लेंगे और अपने शॉर्ट्स के देखिए आसन को सिल देंगे। तो हमें लेना है अपना फ्रंट वाला पार्ट। बैक साइड का आसन भी सिल लेंगे। आसन सिलने के बाद अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसमें डालनी है हमें प्लेट। तो प्लेट हम देखिए इस तरीके से डालेंगे, इसमें बॉक्स वाले हमारी प्लेट डलेंगी इस तरीके से। ज़्यादा प्लेट नहीं डालनी है। देखिए जो हमने बेल्ट कट की थी इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको रखेंगे। हमें इसके आधे इसके इक्वल में बॉक्स वाली प्लेट डालनी है। तो यहाँ से देखिए इसको लेंगे हम। इस तरीके से हमारी प्लेट डल जाएगी। तो चलिए इसमें प्लेट डालते हैं। देखिए हमारी जो बॉक्स वाली प्लेट है वो बिल्कुल हमारी बेल्ट के इक्वल है। तो अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपनी बेल्ट। तो इसको लेंगे हम बेल्ट को रॉन्ग साइड से। देखिए रॉन्ग साइड हमारा जो शॉर्ट्स है उसकी रॉन्ग साइड हमारी ऊपर है और इसमें हमारी बेल्ट की भी रॉन्ग साइड हमारी ऊपर ही है। अब इन दोनों का हम एक साथ सिल देंगे। और इसके बाद लेंगे बेल्ट। देखिए जो हमारी बेल्ट है इसको हम करेंगे फोल्ड और यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे और सिल देंगे। तैयार। देखिए इसमें जो हमारी प्लेटें हैं वो हमने थोड़ी सी गैप दी है, हमने बहुत ज़्यादा गैप देके अपनी प्लेटें में एडजस्ट की है। अगर आपको और ज़्यादा हैवी प्लेटें चाहिए तो आप इसे जो हमने शॉर्ट्स अपना कट किया था इसे आप और बड़ा करके कट कर सकते हैं, इसमें आप और फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ये हमारा बनकर तैयार है और इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। तो उसके लिए देखिए हमने इलास्टिक ली है। इसकी हमारी लेंथ है 10 इंच और सेम मेजरमेंट की हमें एक इलास्टिक और लेनी है, वो हमारी बैक पार्ट के लिए होगी। तो ये जो हमारी इलास्टिक है आप चाहे तो छोटे वाले जो इलास्टिक आती है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो हम ये डालेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। यहाँ से इसको हम फिक्स कर देंगे जिससे कि हमारा ये जो है बाहर ना निकले। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है बनकर तैयार होगा। देखिए लास्ट लगने के बाद ये हमारा और ज़्यादा
इसमें कॉमा जाएंगे। और जिस तरीके से हमने अपना फ्रंट पार्ट तैयार किया है, सेम तरीके से हमने बैक साइड वाला जो पार्ट है वो भी तैयार कर लेंगे। बैक साइड का पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद लेंगे, देखिए अपना फ्रंट वाला जो हमने पार्ट लिया था हम वो लेंगे और इन दोनों को हम यहाँ साइड से सिल देंगे। यहाँ से सिलने के बाद देखिए इसको हम ओपन करेंगे, ये जो हमारा जॉइंट है इसको हम दबाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक सिलाई एक पैर के। अब सेम तरीके से हम इसको इस साइड से भी सिल देंगे। दोनों साइड से उसको सिलने के बाद अब उसको करेंगे नीचे से फोल्ड। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से सिल देंगे। दोस्तों हमारी शॉर्ट्स बनकर तैयार है, इसमें हमने बॉक्स वाली प्लेट डाली है। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें। और फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।